हेलो बच्चों बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन में स्पेशली वेरिएबल एक्सेलेटेड मोशन के क्वेश्चन। पिछली क्लास तक मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन के क्वेश्चन कराए, और साथ में इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन बताई थी, वेलोसिटी, एक्सेलेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें स्पेसिफाइड कोई थ्योरी नहीं है, वो छोटे छोटे कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको, और ज़्यादातर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आज हम समझेंगे कि मोशन प्लेन क्या होता है। थोड़ा सा हैवी है ये क्लास, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ होगा, तो जहाँ मेडिकल के बच्चों को जहाँ ज़रूरत नहीं होगी इन क्वेश्चंस की, वहाँ मैं आपको बता दूंगा, बाकी इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत एसेंशियल है ये। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम पढ़ेंगे आज हम। अ पार्टिकल हैव अ पार्टिकल हैज पोजिशन आर वैक्टर इक्वल टू 5t² आई कैप प्लस 8tq j कैप, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में है, पहली पहली सीढ़ी है ये। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो बच्चों, हमें पता है यार, पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होता है, डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, और अगर उल्टा हो तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पोजीशन है हमारे पास 5t² आई कैप प्लस 8t² जे कैप। आपको अगर मैं इसे डायरेक्ट फाइंड करूं तो सीधा सा है कि वेलोसिटी होगी dr/dt, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो d/dt ऑफ 5t² आई कैप और d/dt ऑफ 8t³ j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 10t i कैप और 24t² j कैप, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हाँ, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो 2 तो हमारा फेवरेट है, उसे रखेंगे हम यहाँ। और फिर एक्सेलेशन पूछा है dv/dt, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ये वेलोसिटी है 10 i कैप, 24 दूनी 48, 48t j कैप, ऐसे लिखा, समझ में आया बच्चों। और अब जैसे वैल्यू पता करनी है 2 सेकेंड पर, तो 10 × 2 आई कैप 24, 2 का स्क्वायर जे कैप, तो 20 i कैप प्लस 4 हो जाएगा ये, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो टाइम रख के, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें केवल वैल्यू रखनी थी। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन आया, इसमें तो आप पोजीशन से, हम इसको यहां लिख लेते हैं, वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, उल्टा चलते हैं तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आया, अब अ पार्टिकल स्टार्ट एट टी इक्वल टू 0, ठीक, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, विद स्पीड, ये विद वेलोसिटी वी इक्वल टू 5t i कैप 3t² j कैप, ठीक है, ऐसे लिख लिया। फाइंड द पोजीशन एट
टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां थोड़ा सा समझते हैं, अभी कंसेप्ट भी समझ लेते हैं साथ साथ। आपको तो लगेगा कि सर वेलोसिटी दे रखी है, इंटीग्रेट करो, पोजीशन फाइंड कर लो, ये भी सही है, लेकिन हम मोशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये फंडा बना लो अपना, जब भी आपको मोशन प्लेन का क्वेश्चन हो तो उसको एक्स और वाई में तोड़ लो, उससे एरर होने के चांस कम होते हैं। और हम बिगनर हैं तो बिगनर हम सीख रहे हैं क्वेश्चंस को, कहीं गलती ना हो जाए। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे वी इक्वल टू लिखा है वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, ठीक है। तो देखो वी एक्स और वी वाई, पहले कंसेप्ट सीखते हैं, डी एक्स बाई डी टी और वी वाई कितना होगा बच्चों, डी वाई बाय डी टी। तो देखो डी एक्स कितना होगा, वी एक्स डी टी। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, मान लो टी इक्वल टू टी नोट पे चला पार्टिकल और उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट था एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नोट, टाइम टी पे चला तो एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स नोट टू एक्स और टी नोट टू टी वी एक्स डी टी, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नोट वी एक्स डी टी टी नोट टू टी। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, बिल्कुल वैसे ही वी डी वाई, देखो वी वाई डी टी, ऐसे आप इंटीग्रेट करोगे टी नोट से, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो टी नोट लिखेंगे और यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में तो वाई नोट, टाइम टी तो ये वाई, बिल्कुल ये भी ऐसे ही आ जाएगा, वाई माइनस वाई नोट, ठीक है, टी नोट टू टी और वी वाई डी टी। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। अब गौर करने वाली बात यह है कि x है फाइनल पोजीशन और x नोट है इनिशियल, तो ये आया चेंज इन पोजीशन। अगर आपको फाइनल पोजीशन चाहिए तो x नोट को इधर ले जाना, ठीक है। अच्छा, जनरली पार्टिकल t इक्वल टू जीरो से चलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में कई बार कर देता है कि t इक्वल टू माइनस टू से चल रहा है, माइनस थ्री से चल रहा है, तो वो t नोट की वैल्यू यहाँ रख देना, या किसी और टाइम से t इक्वल टू 1 सेकंड पे चला तो वो t नोट इनिशियल और फाइनल टाइम यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब देखो आप बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी दे रखी है, पोजीशन पूछ रहा है। देखो बच्चों, अब हमें समझ में आ गया कि यार वी एक्स है ये और ये वी वाई है, तो अभी हमने पढ़ा है कि एक्स माइनस एक्स नॉट वी एक्स डी टी, ठीक है, और वाई माइनस वाई नॉट वी वाई डी टी। आपको जरूरी नहीं कि फॉर्मूले याद रहे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिल्कुल ऐसी रूल के अकॉर्डिंग। तो एक्स माइनस एक्स नॉट, अब ये चला है ओरिजिन से, तो इसका मतलब एक्स नोट कितना हो गया, जीरो, और टी नोट टू टी होता है तो हमारा क्या होगा, टाइम जीरो से चल रहा है 2 सेकंड तक, वी एक्स कितना है 5 टी डी टी, ऐसे ही वाई माइनस ये जीरो और वी वाई कितना है 3 टी स्क्वायर डी टी और जीरो से 2 सेकंड तक। ठीक है बच्चों, समझो बात को। तो एक्स इक्वल टू 5 टी स्क्वायर बाय 2 जीरो से टू, फाइव टू का स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो, एक्स कितना आ जाएगा बच्चों 10, ठीक है, और वाई इक्वल टू 3 टी क्यूब बाय 3, यही है ना, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, हाँ, और टी क्यूब बाय 3 टी स्क्वायर का, 3 से 3 कट गया, 0 से 2 तो 8 आ गया। तो यानी कि x, अब पोजीशन अगर आपको लिखनी हो फाइनल, तो x i कैप प्लस y j कैप होता है ना, तो x कितना है हमारा 10 और y कितना है 8j, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन आ गई 10 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 8 j कैप, तो इस तरीके से फाइनल पोजीशन पता करी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बना अभी, आप इसे अलग से नोट करिए कॉपी में, ठीक, साथ साथ। और अब देखो बिल्कुल इसी सीक्वेंस पे, अभी हमने क्या सीखा, वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करना सीखा हम ना, एक कंसेप्ट, जैसे एक कंसेप्ट आपने पढ़ा पहला, आपको लगेगा वही ऐसा होता है जो बिगनर पढ़ते हैं, बोलते हैं यार हमें कैसे पता लगा अब ये करना है ये करना है, तो पहले मैंने आपको ये सिखाया। अब देखो बिल्कुल एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी बिल्कुल इसी धुन पे चलेगी, तो हर कंसेप्ट का ना रिपीटेशन होता ही होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अ पार्टिकल
स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन विद रेस्ट, ठीक है, मतलब पोजिशन। ओ भाई ये इंग्लिश ना, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम ओरिजिन विद रेस्ट, ठीक है, विद एक्सेलरेशन मैं ग्रेविटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो बस कंसेप्ट समझना आपको कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है, विद एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 3t i कैप 4t2 j कैप, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है देखो, तो फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां भी एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट बनाने की। देखो एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो आप, तो एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ये सोचो जैसे एक्सेलेरेशन होता है ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप होता है बच्चों। तो ए एक्स कितना होगा, ए एक्स होता है बच्चों डी वी एक्स बाई डी टी होता नहीं, और ए वाई कितना होगा सिमिलरली डी वी वी वाई बाई डी टी, है ना। तो यहां से डी वी एक्स आ गया ए एक्स डी टी, और यहां से डी वी वाई आ गया ए वाई डी टी, ठीक है। अब दोनों को इंटीग्रेट करो, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी, पहले इधर करते हैं इसको, ठीक है, टी इक्वल टू टी नोट लेते हैं, तो वेलोसिटी यू एक्स टाइम टी पे वी एक्स, देखो ये यू लिखा है मैंने, ठीक है भाई, क्या था एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो, अभी तो जैसे इसने क्वेश्चन में लिखा है कि विद रेस्ट चला है तो यू एक्स जीरो है, लेकिन अगर हुई तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो वी एक्स आएगा यू एक्स वी एक्स। इसको क्यों नहीं कर सकते अभी, जब तक आपको ए एक्स की वैल्यू नहीं बताएगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला ही बन रहा है अभी, टी नोट टू टी ए एक्स डी टी, ठीक है। तो जब आप यहाँ लिमिट लोगे तो ये आएगा वी एक्स माइनस यू एक्स, ठीक है, ऐसे। सिमिलरली वी वाई माइनस यू वाई ए वाई डी टी, ठीक है, और टी नोट टू टी बिल्कुल ऐसे ही यू वाई और वी वाई, बताओ बच्चों ये बात समझ में आई। तो बिल्कुल एज इट इज इसको फॉर्मूले की तरह मान लेते हैं, फिर हम इसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखो नोट कर लें आप इन्हें फॉर्मूले की तरह कॉपी में। अब जैसे क्वेश्चन आया कि ये दे रखा है और वेलोसिटी पूछा है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे जैसा भी फॉर्मूला बनाया हमने। तो हमारे पास ए एक्स है 3t, है ना, तो हमने अभी पढ़ा है वी एक्स माइनस यू एक्स ए एक्स डी टी, ठीक है, और टी नोट टू टी, तो टी नोट तो जीरो आज, और टाइम कितना है 2, और वी एक्स यू एक्स कितना है बच्चों देखो, पार्टिकल रेस्ट से चला है तो उसके x और y दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के जीरो होंगे उस टाइम पे। तो ए एक्स कितना है हमारे पास 3t dt, ठीक है, जीरो से 2, तो वी एक्स आ जाएगा 3t2 by 2 जीरो टू 2, तो 3 2 into 2 upon 2 कितना आ गया बच्चों 6, तो वी एक्स कितना आ गया 6, ठीक है। सिमिलरली वी वाई डी वी वाई बाय डी टी, ऐसे लिखा, तो डी वी वाई, और अब तो ये तो सॉरी गलत लिखा मैंने, अब तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी वाई माइनस यू वाई ए वाई डी टी, ठीक है, जीरो से 2, बताओ वी वाई, कुछ भी कैलकुलेशन बेटा देखते रहना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। वी वाई माइनस यू वाई कितना होगा 0, ए वाई कितना है हमारे पास 4t2 dt, और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक, तो वी वाई 4, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
टी क्यूब बाय थ्री, जीरो से टू, तो फोर टू क्यूब बाय थ्री, और ये हो जाएगा एट आठ चौक बत्तीस, थर्टी टू बाय थ्री। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गए, दो कंपोनेंट आ गए वी एक्स वी वाई। अब क्या करोगे बच्चों, इसे कैसे लिखेंगे? तो देखो, नेट वेलोसिटी वी एक्स होगा सिक्स आई कैप और प्लस 32 बाय 3 जे कैप। कैसे लिखा मैंने, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो ये वेलोसिटी आ गई। आपसे पूछा जाए स्पीड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताओ, तो टेन थीटा। भाई कहीं ऐसे होगी ना वेलोसिटी, ऐसे इसके दो कंपोनेंट होंगे वी एक्स वी वाई। ठीक है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, 32 बाय 3 अपॉन 6। ठीक है, ये टेन थीटा एंगल आ जाएगा एक्स एक्सिस से। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये कुछ प्रॉब्लम करी, बेसिक प्रॉब्लम। अब कुछ और बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, अब कुछ ऐसे कंसेप्ट देखते हैं पहले जिनकी जरूरत है हमें भी। जैसे अगला कंसेप्ट है लोकस, लोकस। और लोकस होता है बच्चों पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। ठीक है, बाय पार्टिकल। और मतलब ये हिंदी में कह सकते हो कि मतलब जो पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन, वो स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है वो, ऐसे कर्व को बोलते हैं लोकस। अगर आपको लोकस पता करना है बच्चों, तो देखो एक बात सोचो, कोई भी कर्व की इक्वेशन लिखो, जैसे स्ट्रेट लाइन ही लिख ली मैंने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर एक लाइन है, गिवन लाइन है, तो उसका x और y बदल सकता है, स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं बदल सकते गिवन लाइन के। ऐसी पैराबोला है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x y वेरिएबल होंगे, a b c कांस्टेंट होंगे। सर्कल में भी एक सर्कल आपको दे रखा है, तो उसका अपना एक रेडियस होगा जो फिक्स्ड होगा, x y बदलते रहेंगे। आप यहाँ से यहाँ 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 कहीं भी पहुँच रहे हो, लेकिन रेडियस तो फिक्स है। इसका मतलब एक्स वाई के अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं, वो एक्स वाई के अलावा कोई वेरिएबल हो ही नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकस। अब हमें कंडीशन दे रखी होती है, क्वेश्चन दे रखा होता है और पूछा जाता है कि लोकस बताओ, तो कैसे बताया जाएगा बच्चों? देखो, समझा गया लोकस? तो लोकस वगैरह डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे पेपर में, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे अभी, तो उसमें लोकस पूछेगा। तो जैसे आपने कहा कि भाई, अब देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ पार्टिकल इफ इट्स पोजीशन आर गिवन एज। मतलब ऐसे में बहुत सारे केस दे रहा हूं, जैसे पहले इसमें दे रखा है एक्स इक्वल टू ए टी, वाई इक्वल टू बी टी, बी बाई टी। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, चलो पहले ये करते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो x और y ये पोजीशन दे रखी है, बोला a b कांस्टेंट है और t टाइम है, a b आर सम पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो बच्चों सोचो, a b कांस्टेंट है और हमें पता करना है लोकस, तो कौन है वेरिएबल? टाइम है, एक्स वाई के अलावा टाइम भी तो बदलता है ना, पोजीशन बदलेगी तो टाइम तो ऑब्वियसली वेरी करता ही है। इसका मतलब आपका मकसद है कि एक्स वाई के अलावा जो भी है उसे एलिमिनेट कर दो। तो फंडा सीख लो आज से, जब भी आपसे लोकस पूछे तो एक्स वाई के अलावा जो भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसे उड़ा दो। अब उड़ाने का मतलब ये नहीं लो सर उड़ा दिया, उड़ाने का मतलब है एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करो। तो देखो कैसे एलिमिनेट करें, तो यहाँ तो देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए टी इंटू बी बाई टी, टी से टी कट जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, समझाए बात, एक्स वाई इक्वल टू ए बी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि t की वैल्यू x बाई ए, मतलब कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल, आप ऐसे ही करो, y में रख दो तो b बाई टी की जगह x बाई ए रखोगे तो ए बी बाई एक्स आ गया। ठीक है, तो लोकस आ गया ये। अब इसे देखो, x को इधर ले जाओ तो एक्स वाई इक्वल टू ए बी, तो ये लोकस है, ये वो कर्व की क्वेश्चन है जिस पे पार्टिकल चल रहा है। वैसे इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हमें उससे कोई खास ज़्यादा लेना देना नहीं है, जस्ट आ गया ये। ऐसे ही बिल्कुल एक और क्वेश्चन, जैसे आ गया x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू
बी टी ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है बी इंटू टी। तो इसमें कैसे, तो डिवाइड कर दो इनको, एक्स बाई ए वाई ऐसे आ गया, तो वाई इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। देखो वाई इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ऐसी लाइन आ गई। तो ये भी क्या है, एक लोकस है, ठीक है। और देखो जैसे क्वेश्चन आ गया एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। इसमें लोकस पूछ रहा है, बोला है ए बी आर कॉन्स्टेंट, ए बी ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, सॉरी ए ही है, ए और ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। आपको लोकस बताना है कि पार्टिकल किस पाथवे को फॉलो कर रहा है अगर पोजिशन ये है तो। तो देखो तुम्हें यहाँ एक्स वाई के अलावा क्या दिख रहा है, वेरिएबल टी दिख रहा है ना। तो क्या करो बच्चों, जैसे साइन और कोस का एक इलाज है, तो साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, एक्स वाई ए, और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, वाई बाई, है ना। तो स्क्वायर करके ऐड कर दो बच्चों इनको, क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जब इन्हें स्क्वायर करके ऐड करोगे आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे मैंने ग्राफिकली पॉइंट पढ़ा रखे मैथमेटिकल टूल्स में, तो कुछ को लग रहा होगा सर हमें कैसे पता लगे सर्कल है स्ट्रेट लाइन, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है इससे, लेकिन इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको कि ये आई है, ठीक है, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है। तो आप मैथमेटिकल टूल्स में जाके देख लो कि ग्राफ वगैरह क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं ये। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर करता कि साथ में यहाँ बी कर देता, ठीक है, अब पूछता लोकस, तो क्या हो जाता बच्चों, यहाँ वाई बाई बी। तो अच्छा तरीका यही होता है कि साइन और कोस को बिल्कुल सेपरेट कर लो, और ये हो जाएगा ऐसे लिखा, और जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो ये बी स्क्वायर, ये इक्वेशन यही रहेगी, इसे बोलते हैं इलिप्स की इक्वेशन, ठीक है। तो लोकस आ गया, ये क्लियर है बच्चों। तो इतने तरीके से आप लोकस, आपको समझ में आ गया कि एक्स वाई के अलावा जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज ऐसे, ठीक है। चलो और बना लेते हैं इसको, थ्री टी स्क्वायर चेक है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, फाइंड लोकस, ठीक है, लोकस बताना है बच्चों आपको। तो देखो वी एक्स कितना हो जाएगा भाई, थ्री टी, ऐसे वी वाई कितना हो गया, थ्री टी स्क्वायर। यानी कि लोकस पता करने के लिए पहले आपको पोजीशन पता करनी पड़ेगी एक्स वाई। तो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था इसमें एक्स वाई फाइंड करने सीखे थे, तो वहां देखें तो वो अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग होगा वी एक्स डी टी और वाई माइनस वाई नॉट वी वाई डी टी, ठीक है। अब देखो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। वी एक्स कितना है, थ्री टी डी टी, जीरो से t। y माइनस वाई नॉट वी वाई, वी वाई कितना होता है बच्चों, थ्री टी स्क्वायर डी टी, जीरो से t, ठीक है। अब देखो x थ्री टी, टाइम कितना है नहीं दे रखा, वो तो हमें पता करना है, थ्री टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू थ्री टी क्यूब बाई थ्री, है ना, x और y आ गए। अब बताओ लोकस कैसे फाइंड करेंगे, क्या करते हैं बच्चों, एक्स वाई के अलावा जो भी है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो कौन है, टाइम। वैसे जनरली हमारे क्वेश्चन में टाइम ही होगा, कुछ जगह जाके आता है कोई थीटा वीटा, अदरवाइज टाइम को ही एलिमिनेट करते हैं,
तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2x बाई थ्री की पावर 1 बाई टू, यहाँ पर रख दो, y इक्वल टू थ्री, 2x बाई थ्री, अच्छा 3 से 3 कट जाएगा यार, ठीक है 2x बाय थ्री हमने लिख लिया था, हाँ 2x बाय थ्री की पावर 1 बाई टू और उसका होल क्यूब, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x बाय थ्री की पावर 3 बाई टू, ऐसे बन गया। और सही से लिखना चाहते हो बोलो, वो तो डिपेंड करेगा क्या मैच करवा रहा है क्वेश्चन में वो, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये रूट हट जाएगा इधर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x बाय थ्री का होल क्यूब, ठीक है। और करना चाहते हो इसको तो 2 8 हो जाएगा, ये 3 का क्यूब क्या होता है 27 और x का क्यूब, ठीक है ऐसा कुछ वैल्यू बन जाएगी। तो ये भी हाइपरबोलिक कर्व ही होते हैं, तो इस तरीके से आपने लोकस समझ लिया, ठीक है। तो जो नीट के स्टूडेंट हैं अब इस चैप्टर में, इस कंसेप्ट में, आज की क्लास में आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, जो सिंपल या 11th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इससे आगे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए या आप NSEB की बात करें, ये KVPY वगैरह, उनके लिए भी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, सॉरी इस क्लास में, चैप्टर तो आगे सबको ही पढ़ना है, तो इस क्लास का कंटेंट और जो है मेडिकल स्टूडेंट इसे स्किप कर सकते हैं अगले पार्ट को, ठीक है। और अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून है तो पढ़िए भाई। देखो देखो बच्चों, अब इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आप इन्हें ध्यान से देखें, जैसे डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, ऑन कर्व्ड पाथ, मतलब जैसे ये तो टू डायमेंशन मोशन कर रहा है, कर्व पाथ है, उसमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल बताना है हमें। तो देखो बच्चों, ऐसा हम कुछ डायग्राम लेते हैं, जैसे एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाइए तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये नहीं होगी, तो कर्व की लेंथ अलग है, सॉरी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँ तो येल्लो लाइन है, लेकिन अगर डिस्टेंस कहूँ तो ये कर्व पाथ है ना, तो जो इस डिस्टेंस से अलग है बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि सर मैं कुछ भी करके ये कैलकुलेट कर लूँगा वाई और ये एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस होगी, तो गलत है, वो तो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल तो ये होगा कि अगर आप इस वाइट लाइन की लेंथ पता कर लो, तो सोचो अगर ये छोटा होता टुकड़ा बहुत, ये होता इतना, तो ये देखो ये लगभग स्ट्रेट है ना, और छोटा मान लिया हमने, शायद कैमरे में ना दिखाई दे छोटा ज़्यादा, तो इतने तक काम चलाते हैं। देखो अब मैं इसको कहूँ ये बहुत छोटी लेंथ है, बहुत छोटी वैल्यू को डी वाई लिखते हैं फिजिक्स में, और बहुत छोटी एक्स लेंथ को क्या लिखेंगे डी एक्स, तो ये लेंथ जो होगी बच्चों ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी ना, डी एस लिख देते हैं, एस फॉर डिस्टेंस ट्रैवल, है ना। बोला इसे बड़ा करके देखें अगर हम इस डायग्राम को, तो ऐसे कुछ ये लेंथ, ठीक है डी वाई डी एक्स, इसका मतलब हमें जब डिस्टेंस पता करनी है तो डी एस होगा अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ क्या काम करूँ, ये डी एस है, ठीक है, अगर डी एस हो जाएगा बच्चों, डी एक्स बाहर ले लेते हैं, वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है बच्चों, याद करो टेन थीटा नहीं होता स्लोप, है ना, डी वाई बाय डी एक्स टेन थीटा भी होता है, लेकिन नहीं ये अभी डी एक्स है। अगर आपको टोटल डिस्टेंस पता करनी है बच्चों तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन डी एस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जिस भी जर्नी में फाइंड कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कंसेप्ट है ये इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, किसी अच्छे एग्जाम के लिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से लेंथ आ जाएगी और x के रेस्पेक्ट में, तो पहला तरीका तो यह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। एक दूसरा तरीका है, पहले इसको इस पर इस्तेमाल करके देखते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए इसको। देखो जैसे क्वेश्चन आया,
क्वेश्चन आया, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स इक्वल टू 2 मीटर अलोंग अ कर्व वाई इक्वल टू 3x2। ठीक है, समझा बच्चों, 3x2। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल बाय पार्टिकल ड्यूरिंग एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2। मतलब जब वो कर्व जिसको फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक्स ये वाई, वो ऐसे फॉलो कर रहा है कर्व को, तो यहां से लेके यहां तक जब वो चला तो इस कर्व की लेंथ बताओ इसकी। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है तो इसमें dy बाई dx रखना होता है, तो यहां से dy बाई dx कितना है बच्चों बोलो, 6x है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस आ जाएगी s इक्वल टू अंडर रूट 1 + 6x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से 2 तक। ये इंटीग्रेशन आप सोल्व करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन मेरा काम नहीं है, ये आप सोल्व करो। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका है ये, क्लियर, कर्व का। ठीक है, जो ज़्यादातर बुक्स में दे नहीं रखा होता, ही मैथ्स में होता है कुछ चैप्टर में, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वगैरह में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं देखना क्या, मैंने तो समझा दिया, बस ये इंटीग्रेशन आप करो। ठीक है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा। तो इस तरीके से ये आया, अगर एक्स का फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, कर्व की इक्वेशन दे रखी हो, लेकिन अगर टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो देखो, दूसरा केस है, अगर मान लो टाइम का फंक्शन दे रखा हो आपको, टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे ये लेंथ पूछे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल की, तो आप एक बात सोचो, जैसे अभी आपने किया था, जैसे ये लेंथ पता करनी थी, फॉर एग्जांपल ये, तो ये डी वाई है ना, और ये डी एक्स, और ये लेंथ डी एस आप बोल रहे थे। ठीक है, तो देखो बच्चों, डी एस इक्वल टू आपने लिखा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको स्क्वायर ही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। आप एक बात सोचिए, अगर आप या ऐसे लिख लिया, चलो अब आप क्या काम करो, डी टी को मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। ठीक है, क्यों सर, काटने के लिए इसको, नहीं बेटा इसको अंदर भेजना है। ठीक है, तो देखो डी टी, और जब ये डी टी अंदर जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे बताओ बच्चों, ये वी एक्स है ना, और ये क्या है, वी वाई, तो ये हो जाएगा वी एक्स का होल स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डी टी। हाँ, अगर आपको ये डी एस है, अगर टोटल पता करना है तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो, और आप एक बात सोचो यार, ये वेलोसिटी ऐसे कहलाती है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, ऐसे होती है ना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर है ना, तो एक्चुअल में ये स्पीड का स्क्वायर है ये पूरी वैल्यू। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये क्वेश्चन करो एक, हमने समझ लिया ना ये फॉर्मूला। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन आया, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वी इक्वल टू 3t i कैप + t j कैप। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड द, और पार्टिकल t इक्वल टू 0 से चलता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताओ। तो देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा
आप देखो ये अंडर रूट ऑफ वी एक्स कितना है, 3t का होल स्क्वायर, और 3t का होल स्क्वायर वी एक्स हुआ, और वी वाई कितना है, टी टी का होल स्क्वायर और डी टी, ठीक है। और यार ये वेलोसिटी नहीं बताना, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस, वेलोसिटी दे रखा था ड्यूरिंग 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखो तो डिस्टेंस हो जाएगा एस, ठीक है, और कितने सेकेंड में, 0 से 2, ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग 2 सेकेंड पूछा इनिशियली। तो देखो आपको टी का फंक्शन दे दिया ना, इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये था डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका, ठीक है। अब देखो टाइम के साथ हमने फाइंड किया, पोजीशन के साथ, तो डिस्टेंस अब समझ में आ गई। अब एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या है इस बात का बच्चों, देखो अब तक हमने ये पता कर लिया कि यार पार्टिकल चल रहा है तो स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, लेकिन जिस रास्ते पे चल रहा है उसमें कितने कर्व हैं और कैसे कर्व हैं, शार्प हैं। जैसे पहाड़ पे हम गाड़ी लेके जाते हैं तो बिल्कुल एकदम शार्प टर्न आ जाता है ना, और मैदानी इलाकों में बहुत लंबे लंबे टर्न हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ऐसे कुछ ये रास्ता बनाया मैंने, तो देखो यहाँ पे एक मोड़ है, ऐसे सर्कुलर पार्ट है ये, फिर यहाँ पे, यहाँ पे एकदम शार्प, यहाँ पे है इन तीनों केसेस में, ठीक है, शार्प है ना एकदम ये कर्व। तो इसको कैसे मेजर करते हैं, तो देखो हम ऐसा सोचते हैं कि यार अगर एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये जो रेडियस बनेगा, मतलब अगर हम इसे एक सर्कल बनाने की कोशिश करें तो उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, फिर ऐसे उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा R1 R2, फिर यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा लिया जाए, ऐसे एक सर्कल बनाने की कोशिश करी जाए, ये सर्कल ऐसे बनेगा, ये थोड़ा छोटा बनेगा। अब आप कहोगे सर हम तो सर्कल कैसा भी बना लेंगे ना, मैं तुम्हें कहूँ कि यार ये सर्कल है, ठीक है, क्या इसमें ये टुकड़ा इसका हिस्सा हो सकता है, नहीं। मैं कहूँ कि ऐसे एक सर्कल बनाओ जिसका ये टुकड़ा हो, मतलब उसका एक पार्ट हो ये टुकड़ा, तो आप कहोगे सर ऐसे बनेगा। मैं कहूँ यार ऐसा एक टुकड़ा है, क्या इस सर्कल में फिट हो जाएगा ये, नहीं, तो इसका सर्कल बनाना है तो ऐसे। तो मतलब हमें यहाँ ऐसे बनाना होता है कि जिस पार्ट पे आप कर्व देख रहे हो ऐसा कर्व बनाना है कि जो सर्कल पूरा बनेगा उसका हिस्सा बने। मतलब देखो एक दो केस और दिखाता हूँ, जैसे वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन आजकल फिजिक्स में भी क्वेश्चन मिलते हैं इसके, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में है। जैसे ये सर्कल है, मतलब इस पॉइंट पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, तो मैं सोचूंगा कि एक यहाँ पे अगर सर्कल बनता तो लगभग कुछ ऐसे बनता, तो उसका रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अगर ये और बेंट हो जाए, ऐसे हो जाए, तो फिर मैं यहाँ बनाऊंगा ऐसे, तो छोटा सर्कल बनेगा ना, तो और शार्प होता जा रहा है, और ऐसे हो जाए तो छोटा सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होता जाता है जितना शार्प होता जाता है कोई टर्न, ठीक है, कोई कर्व मुड़ती जाती है जितनी। अब इसको कैसे पता करें, ठीक है, तो भाई इसको आप मैथमेटिक्स में डिराइव करते हैं, फिजिक्स वाले डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसके दो फॉर्मूले हैं। अच्छा मेडिकल वालों को मैंने बोल रखा है कि इन पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ये इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं या आपके KVPY के। R=1+dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, कि पावर 3/2 होल 3/2 और d2y/dx2। एक तो तरीका यह है बच्चों, ठीक है, जब आपको ट्रेजेक्ट्री दे रखी हो, और दूसरा तरीका है बच्चों v² / an रेडियस, जब स्पीड और एक्सेलेशन दे रखा हो पार्टिकल का, वेयर v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, एंड an इज एक्सेलरेशन नॉर्मल टू स्पीड, ठीक है बच्चों, एक्सेलेशन क्या है, नॉर्मल टू स्पीड, स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सेलेशन, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल सिखाता हूँ, जैसे पहले इसका, जैसे आपको बोला कि लोकस ऑफ अ पार्टिकल पार्टिकल इज गिवन एज y=3x², ठीक है, फाइंड द
रेडियस ऑफ कर्वेचर शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर। वैल्यू 2 मीटर 2 सेकंड यही यूज करते हैं। तो देखो पहले इसमें आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स ठीक है कितनी होगी बच्चों, दो बार, एक बार डिफरेंशिएट करोगे 6x और दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 6, है ना, यहाँ पे रख दो। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 6x का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स 6, ठीक है, हो गया 1/6, 1 प्लस 6 और x की जगह क्या रखोगे बच्चों 2, है ना, 2 का होल स्क्वायर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/6, 1 प्लस 6 × 12 का स्क्वायर पावर 3/2, 1/6 और 144 की पावर 3/2 यानी कि 145 की पावर 3/2, ऐसा कुछ आ गया। अब जो भी आया भाई वैल्यू तो यही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी दूसरा आपको स्पीड वाला दिखाया इससे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन जो आएगा उसमें दिखाऊंगा इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर, लोकस, ट्रेजेक्ट्री बहुत सारी बात पढ़ी और डिस्टेंस ट्रेवल। अब कुछ मिसेलनियस क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पढ़ाया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपको दोनों यूज करने के लिए दिए, दोनों कैलकुलेट करवा रहा है। वो वेलोसिटी दे रखी है आपको, बोला ओरिजिन से चल रहा है पार्टिकल, पढ़ देता हूँ मैं। अ पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप। मजेदार बात है, टाइम का फंक्शन नहीं दे रखी इस बार वेलोसिटी, एक्स का फंक्शन है। ए बी आर कॉन्स्टेंट, स्टार्ट और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो। तो हमसे पूछा जा रहा है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। फिर बता रहा हूँ कि नीट के स्टूडेंट ज़्यादा इसको टेंशन ना लें इन बातों की, तो इन क्वेश्चन की स्किप कर सकते हो आप इन्हें। तो देखो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है ट्रेजेक्ट्री, हमें पता है ट्रेजेक्ट्री एक्स और वाई अगर आएगा तो ही ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर सकते हैं हम, है ना। तो देखो एक्स लाने के लिए वी एक्स कितना है हमारे पास ए, और वी वाई कितना है बी एक्स। तो वी एक्स से हम डी एक्स वाई डी टी कर लें इक्वल टू ए, डी एक्स इक्वल टू ए डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, ए एक्सेलरेशन नहीं है, कॉन्स्टेंट है। तो जीरो से टी, जीरो से एक्स, तो क्या आ जाएगा ये सॉल्व करके ए टी, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो वी वाई, वी वाई होता है बच्चों डी वाई बाई डी टी। आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखा सकते थे जो मैंने लिखाए थे आपको, डी वाई बाई डी टी बी एक्स। अब यार प्रॉब्लम ये वाई वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, तो झंझट हो जाएगा। तो देखो यहाँ ऐसा करना होता है एक्स की ये वैल्यू उठा के वहाँ ले जाओ ताकि वो टाइम का फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो डी वाई बी एक्स की जगह ए टी डी टी, ठीक है। तो देखो 0 टू y, 0 से t, तो y इक्वल टू बी ए बी टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब देखो लोकस बताना है, तो बताओ बच्चों क्या करोगे। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से x बाई ए आएगी ना, यहाँ रख दो, एलिमिनेट हो जाएगा ना ये। तो लोकस क्या आएगा, ट्रेजेक्ट्री पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लोकस पूछ रहा है। तो ए बी और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी बाय ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लोकस आ गया। क्लियर है बच्चों, तो ये लोकस की इक्वेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसने वैल्यू नहीं बताई कहाँ बताना है। तो अच्छा वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताया था, इसमें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ही पूछा है क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे आर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख दो, ये डी वाई बाई डी एक्स रख दो यहाँ और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रख दो। तो ये वैल्यू जब रख दोगे आप तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा एक्स का फंक्शन, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन किया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इरोडो का क्वेश्चन है ये, इसको कर लेते हैं बस, फिर कंसेप्ट पूरा हो गया आपका। देखो बच्चों लास्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास की ये, तो इससे आपको कुछ वेरिएबल का और का भी समझ में आएगा कि वी एक्स और वी वाई कैसे। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि अ बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द एसेंशन रेट इज कांस्टेंट। एसेंशन रेट होता है बच्चों जिससे वर्टिकली ऊपर की तरफ जाता है कोई ऑब्जेक्ट। तो अगर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है,
और मान लो ये चल रहा है, तो जो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, ठीक है, एंड इक्वल टू वी नॉट, यानी कि वी नॉट है ड्यू टू विंड द बलून गैदर्ड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स इक्वल टू ए वाई। मतलब हवा भी चल रही है, तो मान लो हवा ऐसे चल रही है, तो बलून ऐसे चलना शुरू हुआ, तो बलून मान लो ऐसे पहुँच रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो है उसका एक्स वो कैसे दे रखा है, मतलब वो पूछा है गैदर्ड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास वी एक्स आ रही है, और ऊपर की तरफ वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एक्स बताओ एज ए फंक्शन ऑफ हाइट, हाइट कौन है वाई, ठीक है, साथ में एक्सेलरेशन। तो देखो कितनी मजेदार बात है, जैसे वी वाई इक्वल टू वी नॉट दे रखा है, और वी वाई क्या होता है हमारे पास डी वाई बाई डी टी, तो वी नॉट, तो डी वाई वी नॉट डी टी, वी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, जीरो टू वाई जीरो टू टी, तो देखो डी टी का इंटीग्रेशन टी और डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो वी नॉट टी। समझ में आया बच्चों, ये क्वेश्चन बनी। अब देखो इसके बाद ऐसे ही आप वी एक्स लिखो, तो वी एक्स है ए वाई, ठीक है, अब वी एक्स होगा डी एक्स बाई डी टी, भाई आपको तो एक्स फाइंड करना है, तो ए कॉन्स्टेंट है, वी वाई को क्या लिख लोगे, देखो टी का फंक्शन बनाने के लिए तो खत्म हो रहा है, वेरिएबल है तो हम तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वी नोट टी रख देते हैं इसको, ठीक है, तो डी एक्स और इंटीग्रेशन ए वी नोट टी डी टी, ठीक है, तो ये आ गया जीरो से टी जीरो से एक्स, तो एक्स आ जाएगा ए वी नॉट टी स्क्वायर बाय टू, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बच्चों, क्लियर है, तो ये एक्स और ये वाई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एज अ फंक्शन बताओ वाई का, तो टी की वैल्यू हटाओ और क्या रखो इसमें, ये वैल्यू वाई बाय वी नॉट, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, ये ए वी नॉट वाई स्क्वायर बाय टू वी नॉट का स्क्वायर, एक दिन इसे काट दो, तो एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर बाय टू वी नॉट आ गया, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, और टी की वैल्यू वाई बाय वी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स आ गया किसका फंक्शन, वाई का, ठीक है, हाइट का फंक्शन आ गया, तो ये ड्रिफ्टिंग है, मतलब बलून ऐसे धीरे धीरे खिसक रहे हैं, यहाँ ग्रेविटी वगैरह मत सोचना कुछ भी, ठीक है। अच्छा अब उसने पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ, तो देखो बच्चों एक्सेलरेशन सोचो, y तो कांस्टेंट है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dy वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो कहाँ गया था हमारा x, और y की जगह हमने क्या लिखा था बच्चों, y था v नोट t, है ना, y v नोट t था हमारा अभी थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हो, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एक बार, तो t का डिफरेंशिएशन वन ए वी नोट आ जाएगा, है ना, तो सोचो यानी कि जो नेट एक्सीलेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए वाई जीरो है हमारा, तो ए एक्स ही आ गया, दैट इज ए वी नोट, ठीक है, तो नेट एक्सीलेशन ए है ए वी नोट, दिस ए इज कॉन्स्टेंट और ये है एक्सीलेशन, तो इसको एन लिख देते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, अलग सिंबल यूज कर लिया। तो इस तरीके से आज मैंने आपको मोशन इन प्लेन के लगभग सारे कंसेप्ट बता दिए, इन कंसेप्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात हो, जबकि नीट मेडिकल के में तो ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा पढ़ने ही नहीं है, जो शुरुआत में बेसिक बताया था वही पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है, तो अब आपका काम है कि जो आपको प्रोजेक्टाइल से पहले पहले जितने कंसेप्ट मैंने आज तक बताया आपको, उन सबको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, गुड लक, बाय।